हेलो दोस्तों, सीरीज विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओरिजिन सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 की कहानी को। दोस्तों, हमने इस सीरीज का पहला एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लेना के पास्ट को देखते हैं, जो वाशिंगटन DC में माइक के साथ मिलकर एक आदमी की सिक्योरिटी करने के लिए जा रहे हैं। माइक लेना को बोलता है कि तुम्हें अपना मूड ठीक करना होगा। लेना, जो कि माइक से नाराज है, माइक बोलता है कि सारा गुस्सा अभी निकाल सकती हो, लेकिन वहाँ पर जाकर तुम ऐसा फेस मत बनाना। माइक और लेना एक जगह तक पहुँच जाते हैं। यहाँ एक छोटी बच्ची रूबी मिलती है और उसका डैड ओमर मिलता है, और लेना और माइक को इन दोनों की ही सिक्योरिटी करनी है। यह पूरा घर शीशे का होता है। रात को लेना अंगीठी के अंदर आग जलती हुई देखती है, तब यहीं पर ओमर आता है और बोलता है कि आग को जलता हुआ देखकर मुझे नींद नहीं आती, इसीलिए इस बहाने मैं जागता रहता हूँ। साथ ही वह लेना को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बोलता है, लेकिन लेना बोलती है कि मैं ड्यूटी पर यह सब काम नहीं कर सकती। लेना यहाँ से रूबी के पास जाती है, जो बुक पढ़ रही है। रूबी लेना की बंदूक देखना चाहती है, लेकिन लेना उसे बंदूक नहीं देती। रूबी लेना को किताब पढ़ने के लिए भी बोलती है, लेना तब भी मना ही करती है। तब रूबी जिद करने लगती है और बोलती है कि मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुम्हें किताब पढ़कर सुनाती हूँ। तब रूबी यहाँ पर लेना को किताब पढ़कर सुनाती है, साथ ही बताती है कि मेरे डैड मुझे हर चीज सिखाते रहते हैं कि अगर हमारे घर में कोई घुस जाए तो मुझे कैसे बचना है। रूबी एक अलमारी की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि मेरे डैड ने कहा है कि मुझे वहाँ पर छुपना है अगर घर में कोई घुस जाता है तो। रूबी काफी दिनों से घर से बाहर नहीं निकली है, उसी वजह से लाना उसे अगली सुबह समुद्र के किनारे पर लेकर जाती है, जहाँ उसके साथ माइक भी जाता है। माइक यहाँ पर लाना से बोलता है कि यहाँ पर खतरा हो सकता है, हमें संभल कर रहने की जरूरत है। रूबी यहाँ पर लाना को देखकर काफी खुश है, उसके साथ एंजॉय भी करती है। ओमर बताता है कि रूबी की माँ की मृत्यु के बाद वह तुम्हारे साथ पहली बार खुश नजर आ रही है। जब ये घर पर आते हैं तब माइक लाना से बोलता है कि तुम हमारे इस काम को पर्सनली मत लो, वो हमारे क्लाइंट हैं और हमें अपने क्लाइंट के साथ वैसे ही पेश आना चाहिए जैसा हमें सिखाया गया है। लेकिन रूबी बोलती है कि मुझे पता है कि हमें अपने क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है। लेना जब रात को बैठी होती है तब उसके पास रूबी आती है। रूबी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम उदास हो, शायद माइक की वजह से उदास हो, और बोलती है कि शायद माइक तुम्हें प्यार करता है। लेना बोलती है कि ऐसी बात नहीं है। रूबी बोलती है कि शायद तुम मेरे डैड को पसंद करती हो। लेना इस बात का जवाब नहीं देती, तभी वहीं पर ओमर आता है। रूबी तो वहाँ से चली जाती है। लेना ओमर को बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे, और वह ओमर के साथ ड्रिंक करने के लिए चली जाती है। ओमर यहाँ पर लाना से बोलता है कि तुम्हारी एक हफ्ते की ड्यूटी और बची है, उसके बाद तुम यहाँ से चली जाओगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। तभी लेना ओमर को किस करती है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। माइक भी कंप्यूटर वगैरह CCTV पर निगाह रखे हुए था, तभी उसे घर के अंदर घुसते हुए घुसपैठिए नजर आते हैं, और इसी वजह से वह लाना को भी इन्फॉर्म कर देता है। तब यहाँ पर इन लोगों और घुसपैठियों के बीच में लंबी लड़ाई चलती है। माइक किसी तरह ओमर को बचाकर यहाँ से ले जाता है। लाना रूबी को बचाने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन रूबी वहाँ पर नहीं होती। तभी वहाँ पर नकाबपोश आदमी आकर रूबी पर हमला कर देता है। रूबी इस आदमी को बहुत सारी गोलियां मार देती है, लेकिन वह देखती है कि उसने कुछ गोलियां अलमारी पर मार दी। और रूबी जब इस अलमारी को खोलकर देखती है तब उसके अंदर रूबी मरी हुई होती है, और लेना अपने आप में गिल्टी फील करती है कि उसने एक मासूम की जान ले ली। इस तरह से यह कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। वही लेना और सुन एक जगह पर होते हैं। इन्हें किसी की आवाज आती है जो मदद के लिए चिल्ला रहा है। ये दोनों उस आदमी को ढूंढने के लिए जाते हैं। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसको गोलियां लगी हैं। इस आदमी का नाम टेलर होता है। लेना बोलती है कि हमें इसे बचाना होगा, लेकिन सुन उसे ऐसा करने से मना करता है। बाहर हेनरी और एबिगेल एवेलिन के पास है, जो घायल है। हेनरी और एबिगेल पूछ रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। एवेलिन बोलती है कि हमारी शिप से कोई टकराया था और कोई अनजान चीज अंदर आ गई थी, और वो सारे पैसेंजर को मारना शुरू कर रही थी, और वह चीज हमारे अंदर चली जाती है और हमें मार देती है, इसीलिए हेनरी और एबिगेल दोनों भाग कर जाते हैं। और लाना और सुन से बोलते हैं कि बाहर जो लड़की पड़ी हुई है वह बोल रही है कि अंदर से बाहर किसी को मत लेकर आना, क्योंकि यह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं अग्नेस भी कंप्यूटर के ऊपर काम कर रही है, जहां वह बताती है कि सभी लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं। लोगन बोलता है कि बाहर जाने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। अग्नेस बोलती है कि वो एक घंटे पहले ही यहाँ से निकले हैं। लोगन बोलता है कि थिया से संपर्क करो और थिया प्लेनेट पर मैसेज भेजो कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। अग्नेस बोलती है कि मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन अग्नेस बोलती है कि मैं किसी से भी संपर्क नहीं कर पा रही और शायद हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। लोगन गुस्सा हो जाता है और यहाँ से जाने लगता है। वेनिसा उसे रोकती है कि हमें एक साथ रहने की जरूरत है, लेकिन लोगन किसी की बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। इसीलिए वेनिसा और कैटी भी उसके पीछे जाते हैं, जहाँ लोगन एक जगह पर पहुँच जाता है जहाँ उसे पानी मिलता है। वेनिसा और कैटी पानी को देखकर खुश होते हैं और ये काफी सारा पानी पीते हैं, लेकिन लोगन तभी गायब हो जाता है और कैटी और वेनिसा उसे फिर से ढूंढने लगते हैं। वही लाना और सुन, इन दोनों ने भी टेलर को बंद कर दिया है, और ये एवेलिन से बातें करते हैं। एवेलिन बताती है कि टेलर पहले कुछ अजीब हरकत कर रहा था, और वह सभी से बोल रहा था कि मेरे सर के अंदर कुछ है, मैं एक बार टेलर को देखना चाहती हूँ। इसीलिए सभी लोग उसे उठाकर टेलर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ एवेलिन टेलर से बात करती है और बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है। टेलर बोलता है कि तुमने मुझे गोलियां मारी हैं।
एवेलिन बोलती है कि ऐसा मत बोलो, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन टेलर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एवेलिन का भी तब तक बहुत ज्यादा रक्त बहना शुरू हो गया था, इसीलिए एबिगेल और हेनरी उसे मेडिकल रूम की तरफ ले जाने लगते हैं। तब लेना उन्हें रोकती है और बोलती है कि हम इन दोनों में से किसी की बात पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर तुम लोग एवेलिन को इलाज के लिए ले जा रहे हो तो हमें टेलर को भी ले जाना होगा। हेनरी बोलता है कि तुमने सुना नहीं, वो आदमी पागल है और इसी वजह से एवेलिन का इलाज होना जरूरी है, नहीं तो वो मर जाएगी। और ये लोग एवेलिन को यहाँ से ले जाते हैं। तब यहाँ पर टेलर के पास सून और लाना बचते हैं। लाना यहाँ पर एवेलिन की बंदूक देखती है जिसमें 3 गोलियां कम थी, और वह सून को बताती है कि टेलर सही बोल रहा है, एवेलिन ने उसे गोलियां मारी हैं। तब तक हेनरी और एबिगेल उसे मेडिकल रूम की तरफ ले जा रहे हैं। एबिगेल बेहोश होने से पहले इन दोनों को मेडिकल रूम का एक्सेस कोड बता देती है। वहीं वेनिसा और कैटी लोगों को ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। देखने पर पता चलता है कि यहां पर बॉम नहा रहा है। बॉम बताता है कि शायद यह किसी आदमी का रूम है। यहां ये लोग कंप्यूटर के अंदर एक वीडियो भी चलाकर देखते हैं जहां वह आदमी अपने बारे में बता रहा था। और तभी ये लोग वीडियो के अंदर देखते हैं कि वहां पर अफरा तफरी मच चुकी है, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं और यह वीडियो वहीं पर रुक जाता है। वहीं अग्नेस भी कंप्यूटर पर काम कर रही है और बताती है कि हम थिया प्लेनेट पर पहुंचने में केवल 9 दिन दूर हैं। वहीं लोगिन भी मेडिकल स्टोर में जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके पास एक्सेस नहीं होता। तभी वहीं पर हेनरी और एबिगेल एवेलिन को लेकर आते हैं जिनके पास मेडिकल रूम का एक्सेस होता है, और वो लोग वहां पर ले जाकर एवेलिन का इलाज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम लोगों को देखते हैं जिसे घबराहट होना शुरू हो जाती है और वह यहाँ से चला जाता है, और वह एक जगह जाकर मानो कुछ ढूंढ रहा हो। बहुत सारे सामान को वह बिखेर देता है। तभी उसके पीछे पीछे कैटी आती है। कैटी लोगों से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन तभी लोगों वहीं पर बेहोश हो जाता है। लाना भी सुन से बोल रही है कि जैसे एवेलिन को इलाज की जरूरत थी, टेलर को भी इलाज की जरूरत है, हमें उसे भी यहाँ से ले जाना होगा। इसीलिए ये दोनों टेलर को यहाँ से ले जाने लगते हैं ताकि उसका इलाज कर सके। लिफ्ट के अंदर ले जाते ही टेलर यहाँ पर सुन की तरफ गन पॉइंट कर देता है। सुन लाना को बोलता है कि टेलर को गोली मार दो, लेकिन लाना गोली नहीं चला सकती। तभी यहाँ पर सुन और टेलर इन दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई होती है, और हम देखते हैं कि टेलर के दिमाग के अंदर वह चीज चली गई है जिसने यहाँ के बाकी पैसेंजर को मारा है। सोन यहाँ पर किसी तरह बंदूक लेकर टेलर को मार देता है। वहीं हेनरी एवेलिन का इलाज नहीं कर पा रहा। तब एबिगेल उसकी मदद करती है और एवेलिन का इलाज करती है, और हेनरी से बोलती है कि शायद तुम एक डॉक्टर नहीं हो। तो हेनरी एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। तब तक लोगों को भी होश आ जाता है जहाँ कैटी उसके पास बैठी है। कैटी लोगों को एक दवाई देते हुए बोलती है कि शायद तुम मिर्गी के मरीज हो। लोगन कैटी से बोलता है कि प्लीज यह बात किसी से मत बताना, यह तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। कैटी हाँ बोलती है। वहीं लाना भी रोने लगती है कि मैं गोली नहीं चला पाई। सुन बोलता है कि अगर तुम इस तरह हमारी मदद नहीं करोगी तो तुम्हारी वजह से हम लोगों की जान चली जाएगी। लाना बोलती है कि शायद यह इन्फेक्शन था और इन्फेक्शन से पीड़ित सारे लोग मारे जा चुके हैं, शायद अब यह इन्फेक्शन खत्म हो चुका है। तभी सुन को एक बात याद आती है और वह वापिस से उसी कमरे में जाता है। लाना उसी के साथ होती है और वह लाना से बोलता है कि यहाँ पर जितनी भी लाशें हैं वो तुम काउंट करो। सभी लाशें काउंट करने के बाद होती हैं। सोन बोलता है कि एक जगह पर 10 लोगों को रखा जाता है और यहाँ पर केवल 9 लाशें हैं। इसका मतलब एक यहाँ से बाहर जा चुका है और उस इंसान के अंदर वह चीज है जिससे बाकी लोग मर रहे हैं। और इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। दोस्तों आपसे मुलाकात करेंगे एपिसोड 3 के साथ। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।